से मुखातिब होते हैं जनाबे साहिबजादा अल्लामा महमूद अहमद अब्बासी साहब। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदकल्लाहु अलअली वल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अस्सलातु व सलाम अलैक या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस मक्ते से करूँगा कि ज़हरा को अता हुई जो शान आला, ज़हरा को जो अता हुई शान आला उसे समझेगा कोई मुकद्दर वाला, उसे समझेगा कोई मुकद्दर वाला, उम्मीद सफारश उनसे रखता है नसीर, उम्मीद सफारश उनसे रखता है नसीर, जहरा का कहा न मुस्तफा ने टाला। बादा हम्द व सलात नहायती इज्जतों के लायक आज की इस महफिल के रूए रवां हुज्जतुल इस्लाम पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, मुअज्जज सादात किराम मुशैख इज़्ज़ाम पीराने उज़्ज़ाम उलमाए किराम और बिलखसूस अवामे अहले सुन्नत, आज इस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो गुफ्तगू करने का मौका मिला है, जिनकी क़ियादत के अंदर मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ, पीर तरीकत राहबर शरीयत पीर सैयद उस्मान फिरोज़ी साहब, जिनसे बड़ा मोहब्बत और मेरा प्यार भी है, लेकिन मैं चार पाँच मिनट के लिए बस ये पैगाम दूंगा कि क़िबला हुज्जतुल इस्लाम ने जो आज एक ऐसा फितना पाकिस्तान के अंदर जो उठा और जिसने ये समझा कि मेरे इस काम को शायद कोई दाद दी जाएगी, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम ने उस फितने को कुचल कर इस बात का सबूत दिया है कि अगर अली का बेटा जिस वक्त खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा फितना कुचल दिया जाता है। आज जिस अंदाज के अंदर बोर्ड लगाकर यह कहा जाता है फिक्रे रजा, आज हम फिक्रे रजा आवाम को दे रहे हैं, क्या यह शख्सियत सारी जिंदगी फिक्रे रजा का काम नहीं करती रही? मैं आप लोगों को तो दांत इस बात पर दूंगा, जितनी ठंड है और आप इस ठंड में बैठे इस्लाम के रास्ते पर चलना कोई मजाक है? क्या आपने समझा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने इस्लाम पर चलकर अली अकबर जैसा शहजादा कुर्बान करवाया है और दुनिया को बताया है कि इस्लाम पर किस तरह चला जाता है और कितना मुश्किल है चलना। आज दावा फिक्रे रजा का है पर काम फिक्रे रजा वाला नहीं। अगर फिक्रे रजा के दावेदार हो तो फिर यह भी तो बात करो, फिक्रे रजा यह भी कहती है, आला हजरत ये भी फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत तो ये भी फरमाते हैं तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम इस फिक्र के अलंबरदार हैं और तुम जिस फिक्र के अलंबरदार हो ये कायदे आजम वाली फिक्र है, टोपी कायदे आजम की और तब फिक्रे रजा की बात करो। जिथे टोपी नजर आवे ना कायदे आजम पता लगे ये जेवे तय वैसी, उथे फिक्रे रजा पुलवे नहीं है, उथे याद नहीं आनी
फिक्र रजा और जगह याद आनी है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना अला नोट जे विच पाने हो फिक्र रजा नहीं। मैं बताता हूं फिक्र रजा क्या है। जब पीर खाने पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा बरेली का ताजदार अपने पीर खाने पर गए, पीरों ने कहा मौलवी साहब आप बाहर जरा चारपाई पर बैठे मैं आता हूं। जब आला हजरत बाहर आए क्या देखा, पीर साहब का शहजादा नन्ना चारपाई पर लेटा है। वाह आला हजरत तेरी अकीदत तो मोहब्बत पर कुर्बान जाए, कैसी सादात से मोहब्बत है, कैसी सादात से अकीदत है। अपने हाथ बांध लिए, सर को झुका लिया और खड़े हो गए। पीर साहब आकर देखते हैं खड़े हैं आला हजरत, कहा बेटा उठो बैठने दो मौलवी साहब को। आला हजरत ने कहा हुजूर इसके अंदर आका करीम का खून है और मुझे सरकार के खून की खुशबू आ रही। ये है एहतरामे सादात जो आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा फाजले बरेली ने करके दिखाया है। अगर फिक्र रजा पर चलने वाले हो तो तुम्हें सादात का एहतराम करना पड़ेगा, तुम्हें सादात के दरों पर झुकना पड़ेगा, अकीदत को मोहब्बत और प्यार तुम्हें दिखाना पड़ेगा और वो मुवद्दत तुम्हें साथ लेकर जानी पड़ेगी, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और इसलिए आखिरी बात मैं ये बताता चलूं, आज जो इस बात पर है कि हम इनको ये भी कह देंगे, हम इनको फलां भी कह दें, तुम जो मर्जी कहते रहो, हम इस बात पर फख्र करते हैं हम तुम्हारे और तुम्हारे यारों के पैसों पर पलने वाले नहीं हैं, हम सरकार की आल के माल पर पलने वाले। हमें हजूर की आल ने दिया है और इंशाल्लाह हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी मद्दतुल आली जिस जगह मुझे आवाज मारेंगे, मैं ही नहीं मेरे वालिदे ग्रामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं तुसां दसां मेरा मेरे वालिद ना ते शाह जी ना तलक के दे, जिस जगह तू शाह जी बगदाद तू खिलाफत के दी ना शाह जी पता है उन्हां पीरां मेरे वालदा कार आण के खिलाफत दिती। क्यों हजूर? और कार आण के पगड़ी बदी ने बगदाद शरीफ तू मेरे कोल सबूत पे अपने हथा ना लिख के भी गए और आख्या ने मैं आप ना आया मैं बगदाद ने गौस पाक भेजा है। तो ये ताल्लुक है हमारा शाह जी के साथ और इंशाल्लाह अभी ये और ज्यादा होगा। शैतान तो ये समझते हैं ना लेकिन अब और ज्यादा। शाह जी आप जहां मुझे आवाज मारेंगे, मैं नहीं मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह आपकी क्यादत में हर जगह सादात के इज्जत और नामूस के लिए और बिलखसूस मखदूमा कायनात पाक बीवी जहरा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए हमारी जान भी आदर है, जहां कहेंगे इंशाल्लाह हम खड़े होंगे। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत गिरामी अल कदर हजरत किबला साहिबजादा पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब आप हजरात से मुखातिब थे।